आपको सीधा लेकर चलते हैं राई, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया गया है। चाहे आपके कोई लाइसेंस बनवाना है, कोई डुप्लीकेट लेना है, कोई एप्लीकेशन देनी है, कुछ भी काम हो, पहले जैसे चक्कर काटने पड़ते थे अब वो नहीं काटने पड़ते। मैं नौजवानों से पूछता हूँ, ऐसा काम करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। हमने नौजवानों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए इतने काम किए हैं कि आज तक कभी नहीं हुए। इंडस्ट्री के नाते 50,000 छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगवाई, जिसमें 5 लाख लोगों को प्राइवेट नौकरियां मिली है। सरकारी नौकरियां 75,000 हमने दी हैं, और बिना किसी खर्ची और पर्ची के, एकदम मेरिट पर। अब सरकारी नौकरी लेने के लिए किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कहीं पर्ची नहीं देनी पड़ेगी, कहीं कहीं पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आपकी योग्यता मेरिट है, फॉर्म भरो, ऑनलाइन फॉर्म भर के इम्तिहान दे आओ, आप मेरिट में प्रथम आओगे तो घर बैठे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा आपको। राई के इलाके में नौजवान, हमको पता खेल और खिलाड़ी कितना वो मजबूती से काम करते हैं। यहाँ जो राई का स्कूल है उसको हमने यूनिवर्सिटी बना दिया है। यूनिवर्सिटी इसलिए बनाया कि यहाँ के खिलाड़ियों को खेलों में और आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। हमने यहाँ रोजगार के और ज्यादा अवसर बढ़े। KMP रोड कुंडली से जो शुरू होता है और मानेसर पलवल तक, पिछले 12 साल से रुका पड़ा था, उसको कंप्लीट किया है। इसके बढ़ने से इस इलाके की प्रोग्रेस अब इतनी ज्यादा होगी कि शायद गुड़गांव को भी हम पार कर जाएंगे। इसलिए चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, खिलाड़ी हो, पूर्व सैनिक हो, सबके लिए काम किए हैं हमने। गांव की पंचायतों को, उनको भी पढ़ा लिखा किया है, और आगे गांव को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाए, उनकी ग्रांट भरपूर करेंगे ताकि आपके गांव के जो छोटे बड़े काम हैं वहीं बैठे बैठे हो जाए, आपको उसके लिए भी कहीं जाना ना पड़े। इसलिए अगले 5 साल जो और काम रह गए हैं, पिछले 5 साल खूब भरपूर किए हैं, लेकिन अगले 5 साल जो काम रह गए हैं उनको और तेज गति से हम करेंगे। आज हम आपके पास आए हैं, अगले 5 साल के लिए भी आप हमको अपना आशीर्वाद दें। आयु में भले आप छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन वोट तो हर किसी का है। 18 साल की उम्र के बाद हर किसी का वोट होता, तो वोट का आशीर्वाद आप अगले 5 साल के लिए हमें देने के लिए तैयार हैं। तो कितना जोर से आप नारा बोलते हैं, उसमें से आपकी आशीर्वाद देने की मानस मंशा इच्छा पता लगेगी। भारत माता की, भारत माता की। पिछले कोने में आवाज थोड़ी कम आ रही है, पिछले कोने में। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाइयों, आपके मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री, अपनी बात सच्ची सीधी कहने वाले और काम की बात कहने वाले, ऐसे हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री आपके बीच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत भाई का धन्यवाद। हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आज हमारे साथ है यात्रा में, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी बहन कविता जैन जी, हमारे सांसद रमेश कौशिक जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी।